हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर इशू है और इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं जो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो सीबीएसई ने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है वो इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं 9th और 10th की बात करूंगा। 23-24 में जब आप पेपर देने जा रहे हो उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, सीबीएसई ने बताया कि 23-24 में ना तो जो एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो सोर्स बेस्ड होते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी फिर उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो 50% कर दिया गया है। जैसे पहले 40% था ना, अब 50% कर दिया गया है। और यहाँ पर सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये 20% है। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेलेक्ट है ना इसमें क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग आती है, तो ये आपको ना एमसीक्यू टाइप में भी दे सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इनकी वेटेड 20% है। मतलब इस बार सीबीएसई ने क्या किया, जो आंसर लिखने वाले होते हैं ना वो केवल 30% रहने दिए, और ये जो 30% है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे। ठीक है, और देखो 9th 10th दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। सीबीएसई जब सैंपल पेपर इशू करेगी ना तो आप उससे और ज़्यादा जानकारी गेट कर लोगे। ठीक है, 2023-24 के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया आपको 9th और 10th स्टूडेंट्स कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अब 11th और 12th वाले आ जाओ। देखिए ये जो है ना ये पुराना दिखा रखा है, इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, 11th और सुनिए, इस ये आपका नया पैटर्न है। इसमें बता देंगे कि 40% जो है ना आपके एमसीक्यू केस बेस्ड आएंगे, असर्शन होते हैं, रीजन होते हैं ना, ये सारे इसमें कवर कर देगा। 20% में एमसीक्यू जो यहाँ पे बात कर रहा है ये सेलेक्ट रिस्पॉन्स लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ठीक है, उस टाइप में आएंगे 20%। और आपका 40% है जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस बार का और ज़्यादा मतलब आसान कर दिया गया, क्योंकि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, यहाँ पर सीबीएसई ने बताया कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 आई है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ना, आप रोट लर्निंग ना करो, रट्टाफिकेशन ना मारो, क्वेश्चन के आंसर रट लिए फिर आंसर लिख दिए, अब एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड होंगे, तो बच्चे उसको समझ के अपने दिमाग से सोचेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एनालाइज करने वाले क्वेश्चन अब दिए जाएंगे, इवोल्यूशन उसी के बेस पर आपका होगा। ठीक है, ये था इस सर्कुलर में, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मैं ऐसे ही स्कूल की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीबीएसई की साइट पर जाकर और ज़्यादा जानकारी गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्कूल्स हैं चाहे वो पूरी इंडिया में जो सीबीएसई को फॉलो करते हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।